आने वालों की कबूलियत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, और जो दुआएं हम सब के हाजरीन और हाजरात के जिम्मा हैं, दिल में जो बानियान जो है, अशरा मैनेजमेंट है, जो उनके दिल में है, सब दुआओं की कबूलियत के लिए अपने अपने मरहूमीन की मफरत के लिए, जिनका पढ़ने वाला कोई नहीं, जो पहले हमारे साथ थे गुज़श्ता साल, इस साल में सब मफरत के लिए मेरे वाला दर सलावा वारिस ज़माना के ज़ुहूर पाक में ताजीर के लिए मिल के बुलंद दर सलावा आपके सामने जो आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया जा रहा है, छोटी सी आयत मजीदा, चंद अल्फाज आयत के वो बता रहे हैं दीन क्या है। वमा आताकुम रसूलो फखुजू हो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, यही इस्लाम है। जो रसूल दे उसे ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अभी अभी इस्लाम आया था, जब इस्लाम की शुरुआत थी जाहिरी तौर पर। वैसे तो इस्लाम अंबिया का दिन, हर नबी दिन लेके आया, हर नबी हर रसूल दिन लेके आया, लेकिन रसूलों का दीन दीने इस्लाम। तो जब आ रहा था, एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपसे, कि दीन दीने इस्लाम जो है वो तौहीद, आदत, नबूवत, इमामत, क़यामत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुज, ज़वाब, जहाद, तवल्लुक, तबर्रुक, अमर बिल मारूफ, नहीं कबूल करा। तो जब हम शुरुआत के दीन में जाते हैं तो नमाज, रोजा, हज, हुज, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, आठवें नंबर पर यह बात दसवें नंबर पर भी फिर कहते हैं बात जो है वो अमर बिल मारूफ नहीं तो कर बैठे कहते हैं बात। तो मैं तबर्रा के बारे में पूछा कर रहा हूँ, कायनात की अफजल तरीन हस्ती मौजूद थी, अब मोहम्मद से अफजल कौन हो जिसे अली अपना आका बोलना चाहे। वो खुद ही जानते हैं,
जब वो जानते हैं या उनका खलक करने वाला जानता है, ना हम उनको जान सकते हैं ना मिजाज को जान सकते हैं। अली ने जब भी कहा अल्लाह तो मेरा भी तबाह गुलामों में से गुलाम नबी ने जब भी कहा भाई अली तो मेरा भाई है। آخری نبی کی زندگی میں صرف ایک ہی بھائی ہے نبی، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ بھائی اور ساتھی میں بڑے فرق ہیں۔ ایک فرق بتاؤں، دو بھائی یہاں سے جائیں گے نا تیسرا دوست ہو گیا، گھر میں دو ہی جائیں گے۔ ظاہری طور پر اعلان نبوت نہیں کیا ہوا تھا، دین آنا ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اللہ کے گھر کی اللہ کا غسل تھا، بھی تھا بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ 360 بت تھے، ایک دو تین چار پانچ چھ دس نہیں، 360۔ ان 360 کی نمائندگی کر رہے تھے تاریخ اسلام میں بھی لکھا ہے، جہاں کہیں کا تاریخ مکہ دیکھ لیں یہی ملے گا۔ 360 کعبہ میں موجود تھے، ان کی سربراہی، ان کی نمائندگی، اور تین وہ بت تھے کہ اس لاش منار اسرا، یہ تین لوگ تھے جن کے سب سے زیادہ مانی تھے، سب سے زیادہ مانی تین کے تھے۔ تو یہ پریشان نہ ہوتے اس وقت بھی مانی تین کے زیادہ تھی۔ نبی عالم ہے، اب ایک کلمہ فرمائے، سب سے پہلا کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ، اس وقت تک نہ محمد رسول اللہ فرمایا تھا نہ علی بن ولی اللہ فرمایا تھا، یہ بعد میں اعلان نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اعلان تھا لا الہ الا اللہ تفلح، توجہ کیجیے گا کیا فرمایا، لیکن متفق علیہ بات جب میں کہوں تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ سب کا اس پہ اتفاق ہے، اس کا معنی نہیں ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں، یعنی سنی بھابی دیوبندی بریلوی چکرالوی قادری کوئی کچھ نہیں ہو، وہ یہی مانتے ہیں کہ نبی عالم نے سب سے پہلا یہی اعلان کیا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک قولوا رہ نہ جائے، قولوا کا مطلب تھا کہو لا الہ الا اللہ تفلح اور فلاح پا جاؤ۔ قال یا قولوا کا مطلب تھا کہنا، بولنا ہے، تو قولوا بھی کہا تھا میں نے، کہا قولوا بھی ہے، قولوا جمع کہتے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ وتفلح اور فلاح پا جاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کلمے نے سب سے زیادہ ان تین کے معنیوں کو تکلیف دی۔ اچھا ابھی میں سمجھا نہیں سکا، بات پوری پکڑی، پوری توجہ کی دے، یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا، اگر نبی فقط اللہ کا کہتے تو تکلیف نہیں تھی، میں دلیل دیتا ہوں، فقط اللہ کا اعلان ہوتا تکلیف نہیں تھی، اللہ کا اعلان بعد میں ہوا، پہلے اللہ اعلان، کوئی خدا نہیں، 360 ہو یا 3 ہو یا کچھ نہیں، لا الہ، کسی نے
किसी को लकब दिया गया ना इमाम आजम का, दिया गया इमाम आजम सबसे बड़ा इमाम, अली से बड़ा कौन इमाम? अली का बेटा तो हो सकता है, गैर नहीं हो सकता इमाम लकब दिया गया है। आप मुझे लकब याद आ रहे हैं, मैं चलता हूँ तो लकब याद आ जाते हैं। जिस बात की तरफ इमाम आजम का लकब दिया गया, सैफुल्ला का लकब दिया गया था नहीं, सैफुल्ला तो वो है जिसे अल्लाह अपनी सैफ दे, लेकिन किसी मालूम को सैफुल्ला का लकब दे दिया गया, इमाम आजम का लकब दे दिया गया। अब मैं हाथ में जाऊँ अपनी बात से, मुझे वजह रखिएगा इमाम आजम का लकब दीजिएगा, इसलिए मुझे सरकार ये बताएं वो कौन सा कलमा इस्लाम है जो आधा पढ़ने से इंसान मुशरिक हो जाता है, पूरा पढ़ने से मोहर बन जाता है। तो इमाम आजम साहब के तोते उड़ गए, ये बोला कौन सा कलमा इस्लाम है? तो पूछा गया अच्छा मौला पिछली बात बात है ला इलाहा जो फकत इतना पढ़े वो मुशरिक है, जो साथ में इल्लल्लाह पढ़े वो मुसलमान मोमिन है। ला इलाहा कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह है, यहां से शुरुआत है इस्लाम है, यहां से शुरुआत है दीन है। जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह में तकलीफ नहीं थी, ला इलाहा में तकलीफ थी। अभी सुफियान अभी जहन उमैया और चंपो शरारे कुरैश आ गए मोहम्मद के पास, अभी तालिब साहब थे कहा उतारे मोहम्मद से बात से बचाते। तकलीफ हमें इस बात की है कि ये अपने अल्लाह को मरवाना चाहता है, मरवाओ तवज्जो की है, ये अल्लाह का तारुफ करवाना चाहता है। हालात ऐसे थे जमाने जहलियत थी, ऐसे बात होती थी, मैं नहीं कर रहा ऐसे होती थी। कहा अगर ये अल्लाह का तारुफ करवाना चाहता है अपना अल्लाह मरवाना चाहता है मरवाए, लेकिन बाकियों को ना छेड़े, यही हमें कहना है। अगर मोहम्मद ने उनको ना छेड़ा होता हम भी ना छेड़े। चार खुदा सरदारों ने खुद रेखा गए, आपके कहने के मुताबिक तेरा भतीजा है तेरी बड़ी मानता है। मुस्कुराते हुए मुतालिब ने कहा ये तो सही है मेरी बड़ी मानता है, लेकिन दर हकीकत ये मेरा भी इमाम रसूल बोला वही है जो इसने कहा। अच्छा हम खुद मोहम्मद से बात करते हैं, मोहम्मद ये ला इलाहा लिखा इल्लल्लाह रहने दो, ला इलाहा कैसे कैसे आप कह रहे हैं? 360 बुक है खाने का, हम नहीं कहते कि तुम उनमें अपना तजवीर ये कुफार कहने में भी, हम ये कहते वो लोग तीन बड़े नहीं आ गए उनमें अपना चौथा नहीं आ गया। आपके अल्लाह रख लो आप मानो लोग माने हमें विश्वास नहीं है, उन तीनों को रहने नबी का नहीं, पहले उन तीनों की नफी है। नफी को ही तबर्रा कहते हैं, तबर्रा की जोर नाम किसी से बराबर का इजहार करना, किसी से नफरत करना, किसी से बर्बाद हो जाना। सारे जब आंखें बंद होगी ना तो उनसे बुर्बाश हो जाएंगे, वो अपनी आंखों से देख लेंगे तब उनका अपना इतना बुरा हाल है।
तो हम किस लिए मानते रहे? तो तबर्रा कहते ही से है किसी से तबर्रा का इजहार, किसी को ना मानना, किसी को मानने से इनकार कर देना। अब ये अपनी अपनी मंजिल है। कोई बुतों से नफरत करता था, कोई बहुत नफरत करता था, कोई देख ही नहीं सकता था। यहाँ पे भी ऐसे ही है भाई। अब जो बुत परस्ती करते हुए मुसलमान हो वो कितने बुरा फर्क कर रहे हैं। अल्लाह लानदा कबूल तब होगा जब उनको छोड़ोगे। अगर छोड़ोगे नहीं तो तुम कहते रहो हम अल्लाह को मानते हैं, तुमने नहीं माना। मोहब्बत अली के लिए, मोहब्बत अली के लिए लाजम है दुश्मन अली को छोड़ देना। दरमियान की बात करते हैं, मैंने एक बात बार बार कही तो वो मैं चाहता हूँ दोबारा जब एक बात करना चाहता हूँ। नमाज रोजा हज का हर चीज आ चुकी थी, कभी अदल नबूवत हर चीज पहुंच चुकी थी, ऐलान हो चुका था, तरीका बताया जा चुका था, दीन आ चुका था, उसके बावजूद मुकम्मल नहीं था। ऐसे मुकम्मल हुआ जब वो ऐलान हुआ जिसका इंतजार था। मैं वो ऐलान नहीं करने जा रहा, एक जुमला कहना चाहता हूँ। विलायत के ऐलान ने दीन को मुकम्मल किया। कि विलायत अली ना हो तो दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं हो। विलायत आसान नहीं है, विलायत के साथ ही तो दुश्मनी है। विलायत के मौजूद एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अल गदीर। अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी रहमतुल्लाह अलैह 35 साल की अंतर मेहनत और कोशिश से उन्होंने किताब लिखी। इतनी बड़ी खिदमत है कि अली इब्न अबी तालिब ने खुद आकर कहा कि तुमने लिखी, हमने तौफीक दी, लेकिन उसके बावजूद तेरा शुक्र दुनिया के कई मुल्कों में वो मुताला के लिए गए। 4 साल तक लखनऊ हिंदुस्तान में गए, वापसी पर पूछा गया हिंदुस्तान का मौसम बताया, नजफ रहते थे इराक में, ईरान के रहने वाले थे, मौसम के अंदर तक मौसम तो उसे पता चलता है जो बाहर निकले। मैं रहता ही ना दे रही था, तो ऐसी खिदमत है कि नहीं, इन लोगों को सलाम है कि नहीं। वो फरमाते हैं आका अमीन भी फरमाते हैं मैं छोटी खिदमत नहीं है अलग अलग देखना, छोटी नस्लें बन जाते हैं। शोहदा के खून से उलमा की स्याही अफजल है, शहदा के खून से कौन शहीद का जिंदा है जिसको तुम दर्द नहीं कर सकते, उससे उलमा की ये है उलमा। तो मैं तुमको बात देना चाहता हूँ, आप भूलने नहीं। अब आप अल्लामा इब्न फरमाते हैं मैं हर उस शख्स को
हाउस मोमिन को, हाउस मुहिब को अपनी किताब अल-गदीर के लिखने के सबाब में शामिल रहता हूँ, जो हर सबाब के बाद कहे वाजिल फरमा। दुनिया के मजालिम का हल है वाजिल फराग। मैं कह चुका हूँ पहली सवाब कितना ज्यादा है सलवाब का, वाजिल फराग नहीं कहूँगा। पहले दिन से नबी ने बता दिया बुरे को मानना नहीं और अच्छे को छोड़ना नहीं। सबसे पहले जो पैमाना नबी ने दिया वो यही था। उससे पहले नबी फरमा चुके हैं किसको मानना है किसको नहीं मानना। आए अका हर चीज देते हैं, अपना अल्लाह बनवाओ, जो भी करो अपना दीन बनवाओ, इनको ना छेड़ो। वही थे ना बड़े, तो वही थे। कसम उनकी उठाई जाती थी, मनकदारी उनकी ज्यादा थी, मानने वाले उनके ज्यादा थे, बाकी थे आज भी। तो नबी का नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जब अल्लाह एक है तो फिर कुछ भी नहीं, जब खलीफा अख्तिलाफ चला नहीं है तो फिर कुछ नहीं। जो रसूल दे उसे ले, सबसे पहले नबी ने फरमान दिया, फिर नबी ने इस फरमान के बाद वो घर दिया जहां से इस्लाम का आगाज हुआ। उस घर में महफिल की, उस घर में इस्लाम का आगाज किया जो असल में मुहाफिज़ान इस्लाम थे। फिर मैं कह चुका हूँ महफिल में हुआ क्या, यहाँ तक तो हुआ क्या। फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कौन ला इलाहा इल्लल्लाह तुफे हूँ, रिसालत का ऐलान भी बाद में हुआ। कहा अल्लाह एक है उसे मानो, वही खालिक है वही मालिक है हर चीज का, वही वाहिद अहद। दूसरे लफ्जों में सूरह इखलास की तरह फरमा दे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। ना वो किसी से, ना उससे कोई, ना वो किसी से, ना उससे कोई, ना वो किसी से, ना उससे कोई, उसके बावजूद उसके घर में कोई आया। जो उसके घर में आया, जो उसके घर में आया उसके घर से अल्लाह ने इस्लाम का आगाज किया। उसके घर में आया, उसके घर से दीन का आगाज हुआ, इस्लाम की पहली महफिल, इस्लाम की पहली मजलिस, इस्लाम का पहला जलसा जिसे दावते ज़ुल-अशिया कहते हैं, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान हुआ। और फिर नबी ने कहा आज जो तुम में से मुझ मोहम्मद की नुसरत का ऐलान करेगा, अल्लाह की मदद का ऐलान करेगा वही मेरा जानशीन होगा, वही मसीह होगा, वही खलीफा होगा। बड़े बड़े नाम बैठे थे, बड़े बड़े सरदार बैठे थे, उठा 11 साल का बच्चा उसके कहने लगा अनानास से रखा या रसूल। Yeah.
गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ जितना आ सके। ये जगह है नारे कबीर नारे आप सबकी खुशामदी के लिए पत्ते में मोमिनात मेरी माँ बहने बच्चे खुशामदी के लिए जहां जहां बिक्रे हुसैन हो रहा सबकी खुशामदी के लिए मिलकर बैठा सारा इस बारगाह के फरमाया आज जो तुम में से अल्लाह की मदद का ऐलान करेगा वही मेरा जान नसीब होगा वही मेरा नसीब होगा वही मेरा खलीफा होगा। कहा ही था क्यों था जो सारी दौर पर बच्चा था ऐलान से होगा जब आपने कहा है और कोई उठ गया है पूरी बात समझ कर तो बिठाते क्यों है तो जवाब यही रहेगा मौका देगा जो खुदा की तौहीद पहुंचाने में खुदा के दीन पहुंचाने में मेरी मदद करेगा फिर वही उठा अनान आपसे रुपया उसके उठने से पहले ये ऐलान हो चुका था कि जो उठेगा वही मेरा जान वही बसी वही खलीफा एक छोटी सी महफिल में दो बातें हुए थे मैं समंदर को गुजर बात करने लगा एक छोटी सी महफिल में दो बातें हुए थे एक बच्चे ने किया था एक मोहम्मद ने किया था एक बच्चे ने किया था एक खुदा ने किया था बच्चे ने सारी जिंदगी में किया हुआ ऐसे बातों पूरा किया कि उससे बेहतर हो ही नहीं सकता इसीलिए अल्लाह ने मोहम्मद से कहा मोहम्मद वो महफिल वाला बाना पूरा कर अगर तूने आज उस बात को सारी बात बच्चे का हाथ बढ़ा से तेरे कहा मालूम बात चला ला दो बातें हो गई थी एक अली ने किया था अली ने तो पूरा कर दिया बताओ ना तो जंग जो अली के बगैर फका हो नहीं हुई तो अल्लाह रसूल ने कहा अल्लाह का रसूल अली ने तो वो कर दिया जो वो कर नहीं सकता था अली ने तो मुश्किल कुशाई ऐसे की तो उससे बेहतर हो ही नहीं सकता मुश्किल कुशाई पहली महफिल में अल्लाह ने मदद मांगी अली ने हाथ उठाया नबियों के नबी बैठे थे सहाबा इकराम उनकी अस्मत को सुना ऐसे बैठे खचा कर दरबार भरा हुआ था वो खास मौका था अल्लाह खास मौका खास मौकों पर लाता था
तो ऐलान जब कुछ दिखाना होता था तो वो खास मौका लाता था। अभी जुमला दे रहा है तो रखिएगा, नबी बैठे थे सहाबा खचाखच मैदान, वो दरबार जहाँ बैठे थे भरा हुआ था, या एक अजीब शक्ल वाला, अजीब हैकल, अजीब हिरकत मखलूक अल्लाह की दाखिल हो गई। ऐसी शक्ल थी, ऐसी डरावनी शक्ल थी कि कुछ लोग, ये मैं कह रहा हूँ, उसकी शक्ल को देखकर भागने का प्रोग्राम बना चुके। मैं अच्छा भागना आपको अजीब तो कब लगे जब लोग भागते ना हो। लोग तो ऐसे मौजूद थे जो इंसानों को देख के भाग जाते थे, वो तो अजीब शक्ल वाला था, और सीधा सीधा आता भी जा रहा था, दरमियान में आगे खड़ा हुआ। ये नबी आलम ने बोल कहा ठहर जाओ कोई ना जाए, ये मेरे लिए आया है। ये मेरे लिए आया है। नबी ने सब सहाबा को देखा, उसे देखा, मुस्कुरा के कहा अब अगर आगे हो तो अपना तारुफ करवा दो, क्योंकि वो तो जानते हैं तारुफ करवा दो। आने वाला बोला आना हार अपने एक अपने लाभ से अपने इब्लीस, मैं इब्लीस का इब्लीस बैठा हूँ। इतनी शक्ल थी द्रौड़ी, खतरनाक शक्ल थी। कहा क्यों आए हो? कहा इसलिए आया हूं कि हम उसी वक्त से लेकर आज तक जो जो खुदा के नुमाइंदे आते थे, जितने नबी आए, हर नबी पर हम जैसे कैसे करके मुश्किल ठहरा करते थे, हर नबी पर हम मुश्किल ठहरा करते थे। हर नबी को कोई बचाने वाला आता था। हर नबी को कोई बचाने वाला आता था। जब बचाने वाला आता था तो हम ये सोचते थे कि ये अगला आने वाला नबी होगा जो जाने वाले नबी की मदद कर रहा है, लेकिन हम देखा करते थे कि आने वाला नबी नहीं होता था, वो कोई और होता था। दिल में खुदा या खुदा का नाम नहीं जानते हैं, उसके अलावा कोई जानते हैं। हम ये सोचते रहे कि हो ना हो ये आखिरी नबी है जो हर नबी की मदद करता है, लेकिन ऐ मोहम्मद हम शैतान इब्लीस होने के बावजूद ये जानते हैं कि आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरी रसूल हैं, आपके पास नबी पर तो रिसालत नहीं, लेकिन बोला हमने इस बात का है कि वो तो सारे नबियों को मुसीबत से बचाता था, वो तो आप भी नहीं। पहले भी था, तुम्हें दिखाया जा रहा,
तूने बताया करना, अब फिर भी समझ ना आए तो उसकी अकल का मातम किए जा सकता। ऐलान कर दिया हर तो तुम में से अल्लाह की मदद का ऐलान करेगा, कर दिया उसने किसी ने कहा ऐलान दावत सुना शीरा के फौरी में तीन इल्जाम मेरे नबी पर लगे। दीन की बातें करने वालों तुम जानते हो दीन है क्या? नमाज दीन नहीं है, दीन का जुज है। रोजा दीन नहीं है, ये जुज है। हज दीन नहीं है, ये जुज है। ये सारे अहसाब मिल भी जाए तो दीन मुकम्मल नहीं होगा। जो यहाँ ये तो देखो दीन आ गांव पर रहा है, दीन पहुंचा पर है। दावत रशिया के फौरन बाद इस्लाम की पहली दावत के बाद तीन इल्जाम लगे। पहला कि ये शायर है, उस वक्त के शायर वक्त का ज्या हो कहते थे, खैर अब भी शायद शायर होती है, शायर बैठा होती शायर। अच्छा एक बात है कि शायर अगर कोई शेर लिख लेना उस वक्त की इस्लाह में शायर को वक्त का ज़िया कहते हैं, जिससे लोगों को दूर कर रहे हैं उसे कहते हैं तो शायर। तो शायर कह दिया गया कि लोग मोहम्मद से दूर हो जाए। तो कीजिएगा अभी दीन आया नहीं, दीन की पहली महफिल हुई है मक्के की काफ़िरों ने पूरा प्रोग्राम बना के सामने कि मोहम्मद को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। नहीं जानते थे कि मोहम्मद अकेला नहीं है। अकेला नहीं है, शायर कहेंगे पर लिखो को दूर करने की कोशिश की और फिर आगे ये जादूगर है। जादू उस वक्त बड़ा लोग मानते थे आदमगर ये मसला है, तो जादू से औरतें मर रहती, तो जादूगर कह के औरतों को दूर कर दिया। और तीसरा कहा गया अल्लाह ये मजनून है, ये मजनून है। तीन इल्जाम लगाए गए, शायद कहकर पढ़े लिखे लोगों को दूर किया गया, जादूगर कहकर औरतों को दूर किया गया, मजनू इसलिए कहा कि जो मजनू हो बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, बच्चे उसके पीछे लगे रहते हैं। तो मजनू कहकर बच्चों को दूर किया गया, जादूगर कहकर औरतों को दूर किया गया, शायर कहकर पढ़े लिखे अफराद को दूर किया गया। नहीं जानते थे कि मोहम्मद जिसने भेजा है उसने अकेला मोहम्मद नहीं भेजा। मोहम्मद के आने से पहले मोहम्मद के मददगार चुके थे, अभी तारे मौजूद था, खदीजा मौजूद थी। जब गाना के शायर है आवाज मोहम्मद है और मेरे चाचा अबू तारे आने मेरे साथ ले आगे मक्के वालों को पता चल रहे कि जिस जैसा अबू तारे जैसा दानिशमंद हो वो शायर नहीं हो सकता। जब जादू करता तो कहा औरत मदी के बगैर अपनी थी, खदीजा आने मेरी मदद कर उस पर ईमान साहब का ताकि दुनिया को पता चल जाए जिस जैसा खदीजा कैसी ताहिरा मुताहिरा मदी के बगैर अपनी थी हो तो जादू कर नहीं हो सकता। अली को कहना नहीं पड़ा, अली बाधा कर चुका था मक्के की गलियों में, अली ने नबी की मदद करके कहा ओ सालिमो जिसके साथ अली जैसा बच्चा हो वो नहीं हो सकता। ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਵਾਣਿਆ ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸਲ ਨੇ ਅਬੂ ਜੇਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਸਮ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਸਮ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
जो जन्नत मस्जिदों में बैठ के दिखाई जाती है, तकसीम की जाती है, भूरे दी जाते हैं, ईमान दिए जाते हैं, मिसालें दी जाती है, वो जन्नत हुसैन की है। जन्नत याद है, हुसैन भूल गए। जन्नत तो है हुसैन, इसके अलावा जन्नत की बात कर सकता है। जन्नत हुसैन की है और हुसैन जो खुद है, और ऐसे हुसैन ने अपने नाम के लिए ले लिया। माशाल्लाह, दीन बेशक हुसैन के घर में आया। हाय 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 हाय, ऐसे अल्लाह ने हुसैन को और जद्दुल हुसैन को और आले हुसैन को वारिसान दीन में कहा। बेशक बेशक, अंबिया ने दीनों की इबादत की थी, जो दीन थे इस्लाम से बड़ा दीन कोई मोहम्मद से नबी कोई, और अहले बैत से बड़ा दीन का मुहाफिज। जैसे उन्होंने मुहाफिजत की, अल्लाह अकबर, जानते हो ना किन के जनाजे होने वालों हर वो कातिल है जो जिक्रे हुसैन में नहीं आता। कातिल को सोच नहीं थे, उस वक्त तो बुढ़ोते हुसैन का मसला था। जिनको उस वक्त बुढ़ोते हुसैन का मसला था, उनकी औलाद को आज जिक्र हुसैन का। सारा बैठे पहला जो लग गया आम में से कोई आपकी फिगर है, हुसैनी भी मिल जाएंगे, हफीज मिल जाएंगे, जैदी बैठे हैं, जाफरी भी है, कादरी भी है, रदवी भी है, तकवी भी है, नकवी भी है, असरी भी है, नहीं है तो ज़ैनब की औलाद। सबका ज़ैनब ने नाने के दिल पर बेटे कुर्बान नहीं किए, अपनी नस्ल कुर्बान कर दी। बेटे कुर्बान नहीं किए, अपनी नस्ल कुर्बान कर दी। मदीने से चलने वाले थे, या हुसैन ने कहा बड़े राम से चाहू जो पढ़ने मुझे ताकत दे, हुसैन ने कहा जो मैं बक का इमाम हूँ, मैं बानी शरीयत हूँ, मैं हाकिम शरह हूँ, सब अब्दुल्ला इजाजत दे तो आप जाएंगे। हालांकि कर्बला जैनब के बिना अधूरी, हुसैन को बताया जाए, हुसैनियत को बताया जाए। बीबी चली अपने घर पे पहुंची, अब्दुल्ला बेहोश है, जफर तैयार का बेटा अमीर अरब कहलाता है, बेहोश अब्दुल्ला को उठाना गवारा नहीं, टोंग की तरफ खड़े होकर रोना था। जैसे ही जानब के आंसू अब्दुल्ला के कदमों पे गिरे, रोने वाली वो भी जैनब, आंसुओं की पकड़ी क्या तकलीफ होगी, तड़प के उठा, कहा बीबी का खूबान सही जा रही तो गलती हो गई, आप हो रही हो मेरे ऊपर। याद है 21 रमजान को मेरे बाबा अली ने दुनिया से जाते हुए एक वादा लिया था। हाँ बीबी याद है, क्या वादा था,
मेरे चाचा जी ने कहा था अब्दुल्ला एक वक्त आएगा जब हुसैन मदीना छोड़े जैनब को साथ जाने की इजाजत दे देना अब्दुल्ला ये तो मेरे पापा ने कहा अब जैनब ये कहती है अगर इजाजत ना मिली एक तरफ से हुसैन निकलेगा दूसरी तरफ से जैनब का जनाजा निकलेगा आपकी तवज्जो के लिए जाफर के यार के बेटे ने रो के कहा मैं अमीरे अरब हूँ मैं ये चाहता हूँ इजाजत को मैं दे चुका हूँ आपने कहा कुछ लेके जाना हम देख रही है हमारी माँ ज़ैनब अरे घर से कुछ और नहीं एक चादर लेके आई चादर का नाम आ रहा था या पूरा बोल रहा था एक दो दुआ करो चल लेके जा रही है ये बच जाए अरे खाप में देखा है कोई ज़ैनब लेके से ज़ैनब की चादर हुसैन का कफना चला ही था कि जैसे कैसे घोड़े में सवार होकर अब्दुल्ला हुसैन के पास पहुंचे मेरा तुझसे कौन से एक तो मेरा भाई है दूसरा तो मेरा इमाम है इजाजत दे मैं जानब से मिल जाऊंगा उसका मिल ले आपकी भी गुजारिश बिकनी है हुसैन से मेरा एक रिश्ता नहीं दो रिश्ते हैं मेरा इमाम भी है मेरा भाई भी है तेरा नाम है कि शरीयत क्या बताती है जब किसी पे मुश्किल आता है तो सदका दिया जाता है सदका दिया जाता है मैं आया हूँ हुसैन का सदका देने के लिए जैनब ने कहा अब्दुल्ला मैं तो लेके कुछ नहीं आई सिवाय जाने बोले क्या लेके आया हूँ मैं दोनों बेटे लेके आया मैं जानता हूँ हुसैन पे मुश्किल वक्त आएगा जब उसके वक्त आए मोहम्मद को सदका करना मेरी तरफ से सदका दिया जाता है जब मुश्किल वक्त आ जाए मोहम्मद को सदका देना अब्दुल्ला की तरफ से और का सदका देना ज़ैनब की तरफ से अब सदका माने नहीं दिया भाव ने खुदा के लिए ज़ैनब भी लेके आई थी अली की बेटी अकेली चादर लेके आई कहीं कल का मोहर रखना कहते कि ज़ैनब अपने बच्चों को लेके आई थी अब्दुल्ला ने दोनों बेटे दे दिए आ गई शबे आशूर हमारा सलाम हो शबे आशूर का कि जिस रात को माए अपने बच्चों को तैयार इसलिए कर रही थी कि अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही थी औरों मोहम्मद जो हुसैन का सदका बन गया है
अपनी माँ के कैबिन में आए, क्या देखा? अम्मा को तो अकबर से फुर्सत नहीं, अकबर को तैयार कर रही है, काशिम की माँ काशिम को तैयार कर रही है, अशरफ की माँ अशरफ को देख रही है। अब आओ मोहम्मद को कौन तैयार करे? अब बाप ने ये भरते हैं, आओ मोहम्मद के अली इस बेवाल बेटी उनमें कुछ मौके खेमे में जाके कहता है खाना तेरी औलाद कोई नहीं। अब यहाँ पे हमारी माँ को तैयार किया, रोने आशीर फैलने लगा, बीमार मारे गए, मेहमान मारे गए, असहाय मारे गए। जब अकबर गिरा है ना तो एक मतलब ज़ैनब की आंखों में मोहब्बत, अकबर भी चला गया मैं तेरी ज़ियारत करूँ, कहाँ तेरे आमने मोहम्मद के लिए
Ya Hussein.